इतना प्यारा है ये प्यार, प्यारा सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एंड बैक इट अगेन, एक और न्यू व्लॉग। सो गाइस, आप सभी लोगों का हैप्पी न्यू ईयर 2023 मुबारक हो। सो गाइस, माफ करना दोस्तों, क्योंकि यार मेरा 1 जनवरी को वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, तो इसके लिए सॉरी। सो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है ना, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले जबलपुर भेलाघाट, तो यार काफी मजा आने वाला है, क्योंकि मैं फैमिली के साथ जाने वाला हूँ और ये फैमिली व्लॉग भी होगा। और जबलपुर का प्रसिद्ध भेलाघाट है, तो वहीं पर आप लोगों को सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। और हमारी वेशू भी तैयार हो चुकी है, आप देख ही सकते हो। लाइए हाय करो। हाय। कहाँ जाने वाले हैं आज? भेलाघाट। तो गाइस काफी मजा आने वाला है। हाँ, धुआंधार भी है। तो गाइस ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिएगा मेरी जान। तो हम चलते हैं सीधा, और तैयार यार सभी कुछ हो चुके हैं, चलते हैं फिर। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं 407 में, बाकी और पूरी पीछे पब्लिक बैठ चुकी है, और ये भाई हमारा ड्राइविंग करेगा, दोस्त ही है, तो सीधे चलते हैं। और गाइस, ये मेरा 2023 का ना फर्स्ट वीडियो है, तो यार इसके लिए लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस भेड़ाघाट में डायरेक्ट वहीं पर सीधे जाकर, और रास्तों का थोड़ा बहुत मजा लेते हैं। ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। काफी ज्यादा जाम लग चुका है यार, क्योंकि यार हम लोग भेड़ाघाट के काफी नजदीक है, और बहुत तेजी से यहाँ पर जाम लग चुका है यार। तो चलते हैं यार सीधे मोहल्ला। यार 3 तो यहीं बज चुका है, पता नहीं कितने टाइम जा पाते हैं यार। ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, मेरी जान मतलब देख ही सकते हैं भाई, पूरे में यार जाम लग चुका है। भेड़ाघाट जाने के लिए मतलब पुलिस जान ही नहीं दे रही, क्योंकि चौराहे पर यार मतलब आगे निकाल दी भेड़ाघाट चौकंडे से, हम लोग आगे आ गए। ना लामेटा घाट जा सकते हैं, ना ही भेड़ाघाट जा सकते हैं। देखते हैं गाइस दूसरा रास्ता, और क्योंकि यार काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है अभी तक, तो क्या होता है यार, अब मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा यार, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ भाई साहब, बहुत हद से ज़्यादा यार। देखते हैं क्या होता है भाई। फाइनली दोस्तों, हम लोग अभी आ चुके हैं भेड़ाघाट, और लगभग 5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम आए हैं भेड़ाघाट। तो यार अभी चलते हैं यार, मतलब यार पूरा 5 घंटे तो इसी में निकल चुका है। देखते हैं यार, क्योंकि यार सनसेट भी होने वाला है, और अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं, तो देख काफ़ी भीड़ है यार, बहुत मुश्किलों से तो आए भाई साहब, मतलब यार काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। चाची कैसा लग रहा है? देखा होगा मतलब यार इतनी ज़्यादा भीड़ भाई साहब, मतलब यार पूरा दिन पता है ना सिर्फ आने बस में लग गया, और जस्ट अभी आया हूँ, और अभी भी देख सकते हैं जहाँ जाना है ना वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी भाई, रिस्क ना हो जाए, फिर भी देखते हैं यहाँ जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, अभी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।
यार काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 6 बज चुके हैं और मैं गाइस अभी मतलब ब्लॉगिंग तो अच्छे से नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि मेरा मोबाइल ना बहुत ही मतलब क्वालिटीदार नहीं है इसकी। तो गाइस यार अभी और आगे दिखाता हूँ जो भी होगा, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया और रात हो चुकी है, मतलब यार सनसेट भी नहीं मिल पाया क्योंकि काफ़ी भीड़ थी न्यू वर्ष का। तो गाइस यार ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिएगा, अभी आगे भी और दिखाने वाला हूँ यार, मोबाइल की टार्च जला जला कर दिखाऊंगा, ठीक है? तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। तो भाई सभी चलते हैं सीधा घर यार, मतलब यार मेरा मोबाइल वोबाइल भी काम नहीं कर रहा अच्छे से, वो काफी ज्यादा भीड़ है, तो सीधा चलते हैं घर दोस्तों। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।